हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली आरपी 9 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में जर्नल वाउचर की बात करेंगे। जर्नल वाउचर, एक सवाल तो मन में होता ही होगा कि जर्नल वाउचर में कौन सी एंट्री होती है या फिर जर्नल वाउचर में हम कैसी एंट्रीज करते हैं, तो चलिए उसी पर बात करेंगे और हम जर्नल वाउचर पर ही बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक कंपनी हमारे पास पहले से ओपन है, अविनाश राय एंड कंपनी करके है ये, और इसी में हम जर्नल वाउचर में एंट्री करेंगे। तो जर्नल वाउचर में पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, सेल्स, परचेज, इन सबसे हटकर जो एंट्री होती है वो जर्नल वाउचर में होती है। आप कह सकते हैं उधारी वाली एंट्री भी आप जर्नल वाउचर में कर सकते हैं। यहां से अकाउंटिंग वाउचर पर जाएंगे और ये देखिए जर्नल वाउचर ओपन है। अगर नहीं ओपन हो तो आप कीबोर्ड से वो बटन F7 यानी फंक्शन बटन F7 प्रेस करके और जर्नल वाउचर में जा सकते हैं। अब यहां पर डेबिट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगर डेबिट ऑप्शन आपके में ना शो करे कभी तो आप कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करके और यहां पर देख सकते हैं यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ बाय ड्यूरिंग एंट्री, तो यहां पर आप इसको यस कर देंगे और इसको लास्ट तक एक्सेप्ट करा लेंगे तो हम जो है डेबिट क्रेडिट फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। ये तो पहले भी मैंने बताया है। अब यहां पर हमको क्या करना है, देखिए यहां पर कुछ जैसे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कुछ करते हैं, हम ऐसा काम करते हैं तो कुछ चीजें उधार में खरीद लेते हैं, यानी उसकी हम एंट्री नहीं दिखाते, यानी उसका हम पैसा नहीं अभी देते हैं, अभी उसका पैसा बकाया रखते हैं। इस तरह की कुछ एंट्रीज हम करते हैं जर्नल वाउचर में। कैसे करेंगे, किस तरह से होगी एंट्री, आइए देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको फर्नीचर खरीदना है तो मैंने पहले से बना रखा है, मैं उसे डिलीट कर देता हूं। ये देखिए यहां पर फर्नीचर का लेजर मैंने बनाया होगा, तो यहाँ अल्टर पे जा करके और ये देखिए फर्नीचर अकाउंट मैंने बनाया है, ये देख सकते हैं आप। तो ये जो लेजर हमने बनाया है इसको आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। तो यहां से अल्ट के साथ डी प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। अब हम वापस आ जाएंगे अपने गेटवे ऑफ टैली पर, यहां से वापस चलेंगे जर्नल वाउचर में। तो जर्नल वाउचर में हम ऑलरेडी मौजूद हैं, यहां पर डेबिट आ रहा है तो डेबिट किसे करेंगे हम, देखिए जो डेबिट है ना उसके लिए हम कोई जैसे मान लीजिए अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे, यहां कोई लेजर क्रिएट करेंगे। जैसे मान लीजिए आप फर्नीचर खरीद रहे हो या कुछ भी खरीद रहे हो, जैसे मान लो कंप्यूटर खरीद रहे हो आप, कंप्यूटर डेस्कटॉप ये लिख दिया हमने, एंटर प्रेस किया और यहां पर ये जाएगा फिक्स्ड एसेट। ये हमारी फिक्स्ड एसेट होती है, उसका हो गया ये गुड्स है, सर्विसेज तो है नहीं, ठीक है। सर्विसेज किस पे लगता है, जब हम TDS वगैरह जिस पे कटता है वो TDS जो है सर्विसेज पे कटता है, ना कि गुड्स पे कटता है, ठीक है। तो TDS के लिए भी एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करूंगा। अब इसको यहां से एक्सेप्ट कराना है, ये एक्सेप्ट करा लिया हमने। अब जितने का भी आपने खरीदा हो डेस्कटॉप, जैसे मान लीजिए 55,000 का डेस्कटॉप खरीदा तो ये लिख दिया हमने 55,000, इंटरफेस किया। अब यहां पर आएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर, तो क्रेडिटर पार्टी का लेजर तो मैंने आपको पहले भी बनाना सिखाया है, फिर बता देता हूं कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए एक पार्टी है हमारी उमेश, ठीक है, और ये जो है क्रेडिटर पार्टी है, तो यहाँ पे एस प्रेस कीजिएगा तो सन्ड्री क्रेडिटर आ जाएगा। यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिएगा, एंटर प्रेस कीजिएगा, एंटर प्रेस कीजिए और यहां से अब एक्सेप्ट करा लीजिए इसको, ये एक्सेप्ट करा लिया हमने, यहां से एंटर करिए और यहां पर ऑन अकाउंट आ रहा है बाय डिफॉल्ट, यहां ऑन अकाउंट लगाइए, एंटर प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। इस तरह से हम जर्नल वाउचर में एंट्रीज कर सकते हैं। आगे चल करके और भी ज्यादा इसको ब्रॉड वे में हम सीखेंगे कि जनरल वाउचर में कैसे एंट्री होगी और भी चीजें देखेंगे कि कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं। यहाँ पर दो बार डी प्रेस किया हमने और यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो ये देख सकते हैं ये हमारी एंट्री है। इसको अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। कोई सेव करते हैं, यहाँ से डेस्कटॉप पे चले जाते हैं और यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं, तो यहाँ पर JO के नाम से मैं इसे सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे और यहाँ से ओके प्रेस किया। अब इसका प्रिंट हम देखेंगे कैसा इसका प्रिंट आया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर जो रिसिप्ट है वो कुछ इस तरह से प्रिंट होगी, आप इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये एंट्री कम से कम शुरुआत कैसे करनी है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चल करके हम और भी इसमें डीपली सीखेंगे कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।